के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद खास है, वैसे ही बंगाली समुदाय के लिए 5 दिन की दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। दुर्गा पूजा में कई तरह की रस्म निभाई जाती है, इन्हीं में से एक है सिंदूर खेला। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं, इसीलिए 10वें दिन उन्हें विदाई उत्सव के रूप में दी जाती है सिंदूर खेला खेलकर। नवरात्र के आखिरी दिन यानी कि विजयदशमी पर शादीशुदाई महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा पूरे 10 दिनों के लिए अपने मायके आती है और उनका स्वागत करने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ विशाल पंडालों को सजाया जाता है। बंगाली समुदाय में मान्यता है कि माँ को विदाई देने से पहले इस परंपरा को निभाने से सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। सिंदूर खेला में सबसे पहले सिंदूर को माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है, उसके बाद उसी सिंदूर को महिलाएं एक दूसरे पर लगाती हैं। पूरे 4 दिन पूजा पंडालों में ढाक की आवाज सुनाई देती है और ढाक की ताल पर थिरकते हुए ही माँ दुर्गा को आखिरी दिन विदाई दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, हम शीशे में माँ दुर्गा की प्रतिमा को क्यों देख रहे हैं? दरअसल ये है दर्पण विसर्जन। ये एक रस्म है जिसमें पूजा कराने वाले पंडित माता की प्रतिमा के सामने एक बड़ी सी परात में या थाली में पानी भरकर उसमें दर्पण यानी कि शीशे को रख देते हैं, जिसमें माता की प्रतिमा का प्रतिबिंब नजर आता है और इसे ही दर्पण विसर्जन कहते हैं। लोग जो माँ के विसर्जन में नहीं जा पाते वो दर्पण विसर्जन देखते हैं।